मेरा नाम सलमान चौधरी, मैं वाराणसी से हूँ। आज किस तरीके से आप लोगों ने आज सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोग्राम छोटा सा अभियान था और किन्हीं समाज के साथ आप लोगों को समाज से बड़ा दूर रखा जाता है कोई आप किस तरीके मैं किन्हीं नहीं हूँ, मैं किन्हीं समाज के साथ हूँ, किन्हीं समाज की हेल्प करता हूँ और किन्हीं समाज हमारी हेल्प करता है और वो मेरे यहाँ खुशियाँ बांटता है और किन्हीं समाज के लिए हम खुशियाँ बांट रहे हैं। आज किस तरीके से आप लोग बेचू गेट पे करके बेचू गेट पे इसलिए कि वो इन ये हमारे लोग हैं, किन्नर समाज एक हमारा समाज है, हम इन किन्नर समाज को कभी किन्नर समाज को कोई पूछता नहीं है, कोई सरकार नहीं, कोई सत्ता नहीं, उनके दुख दर्द में कोई सत्ता कोई सरकार उनके लिए कुछ करती ही नहीं है। पूरे लॉकडाउन भर में सबको सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने को कहा, घर में रहने को कहा, मगर किन्नर समाज का नाम नहीं लिया। सरकार क्या कर रही है जी, मुझे इस बात का तकलीफ है किन्नर समाज कहे या ना कहे, मगर किन्नर समाज के अंदर इतना दुख है कि वो अपना दुख नहीं सुना सकता, इसलिए आज हम इस रोड पर जी भारत की संतान भी है। हाँ, भारत का हिस्सा है, भारत वो भारत के नागरिक हैं, उनका हक है इस भारत पर। और कभी किन्नर समाज से नहीं पूछा कि आपको क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। सरकार आपको कितना ध्यान देती है इस पर थोड़ा सा बताइए। सरकार मेरे पर ध्यान दे या ना ध्यान दे, मगर मेरा यही कहना है कि किन्नर समाज का पूरा ध्यान दिया जाए। जैसे अभी बिल किन्नर समाज पर पास की गई है, वो बिल को रद्द किया जाए, ये मेरा कहना है। सरकार इसलिए रद्द किया जाए, इसलिए रद्द किया जाए कि किन्नर समाज का कोई नहीं होता, वो अकेला होता है, उसके सर पे छत भी नहीं होती है, वो अपना परिवार छोड़ के आता है, किसी के दरवाजे के बाहर ढोलक लेके खड़ा होता है, कोई देता है कोई नहीं देता है, मगर वो एक समाज में एक पहल एक खुशियाँ बांटते हैं। तो ये बिल को हमें हमारी ये अपील है, प्रार्थना है कि इस बिल को जल्दी से जल्दी कैंसिल किया जाए, वरना किन्नर समाज रोड पे हो जाएगा। आपका क्या नाम पड़ेगा आपका? जी नेहा नाम है मेरा। नेहा जी, आप लोग किस तरीके से आज यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन कराया? ये हम लोग किन्नर समाज हम लोग आज रैली निकाले हैं, जैसे कि हम लोग कोरोना की बीमारी है, लोगों से दूरी बना कर रखे हैं, हम लोग बहुत जी। क्या नाम पड़ेगा आपको? नेहा। नेहा, आप किस समाज से मिलांग करती हैं? किन्नर समाज से। आप लोग किस तरीके से आज यहाँ पे कार्यक्रम किया? जी जैसे कि आज बीमारी फैली हुई है कोरोना वायरस जो है, बेचू गेट पे हम लोग आए, किन्नर समाज इकट्ठा हुए हैं हम लोग, जैसे कि आज बीमारी फैली हुई, लोगों से दूरी बना कर रखे हैं, काम धाम बंद हो गया है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, हम लोग भी 3 महीने से घर बैठे हुए हैं, हम लोग का कोई भी नहीं है, ना हम लोग का माँ है ना बाप है, हम लोग अकेले रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ, और हम लोग कोई मदद नहीं करता है, हम लोग जजमान के बच्चे होते हैं, शादी होता है, खुशियाँ में जाते हैं, नाचते गाते तो पैसा हम लोग को मिलता है,
उसमें हम लोग अपना भी देखते हैं और उसमें हम लोग आज यजमान का जो बीमारी आया है उसमें भी आज हम लोग भी मदद किए हैं कुछ, और हम लोग कोई मदद करने वाले नहीं है और हम लोग अपना अकेले खाते हैं जीते हैं। हम लोग जी हम लोग बिताए जैसे तैसे करके हम लोग दिन अपने बिता दिए हैं, उसमें हम लोग अपने जनता को अपने यजमान का भी मदद कर किए हैं। एक चीज बताइए कि लॉकडाउन था और उसमें ट्रेन बंद थी, आप लोग ट्रेनों में पैसे मांगने का काम भी करते हैं और बच्चा पैदा होता है तो उसमें बधाई भी जाते हैं, जाते हैं। सारी चीजें रुकी हुई हैं, फिर भी कैसे आप लोग मेंटेन कर रहे हैं अपने जैसे तैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्या करें मजबूरी करना ही पड़ेगा, एक टाइम खाते नहीं भी खाते लेकिन मेंटेन तो करना ही पड़ेगा भैया, ऐसा तो है नहीं। और शादी जो भी होती थी होना था सबका शादी टल, शादी ब्याह सबका कैंसिल हो गया, हमारे यजमान जितने थे शादी का लगन का सबका कैंसिल हो गया, जिन हमारे यजमान को बच्चा भी हुआ है वो लोग तो हम लोग बधाई लेने जा रहे थे, वो लोग तो यही कह रहे हैं कि हम लोग खुद ही कमा नहीं रहे, हम लोग खुद ही दिक्कत परेशानी, तो तुम लोग को कहाँ से देंगे, हम लोग तो खुद ही दिक्कत में है, हम लोग खुद ही 3 महीने से काम था हम सब बंद, हम लोग कहाँ से देंगे, ये बात है ना। अब यजमान कमा करते तो हम लोग को देगा, हम लोग तो उसी के सहारे रहते हैं, हमारा तो कोई है नहीं, हम तो अकेली हूँ, हम लोग रेंट पे रहती हूँ भैया, हम लोग का तो कोई नहीं, हम लोग अभी तक भाड़ा वाला रेंट का भाड़ा वाला अभी तक हमने कुछ भी नहीं दिया है अभी तक, हमारे मकान मालिक का जो हमारे किन्नर समाज सभी लोग रेंट पे रहता है वो लोग अभी कोई नहीं दिया है रेंट का भाड़ा वाला।